Bismillahir Rahmanir Rahim. In this portion, we're going to have some discussion about phylum Nemertia or Nemertian proboscis worms being ko kaha jata hai due to their characteristic proboscis. Aur isme total 900 species jo hai wo Nemertians ki note ki gayi hai. Jo elongated flattened worms and they are found in marine mud as well as in the sand. And due to long proboscis, Nemertians they are also known as proboscis worms. Ye right side pe jo hai ye मैरीन वर्म्स या प्रोबोसिस इनकी प्रोजेक्टेड फॉर्म में शोन है. एडल्ट वर्म्स इनका साइज होता है फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर इन देयर लेंथ एंड दे आर पेल येलो इन कलर, ऑरेंज, ग्रीन और रेड भी हो सकते हैं. यहाँ पर रेड कलर का निमर्टियन जो है वो आपको शोन है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड वर्म्स और सिलिएटेड एपिडर्मस प्रोड्यूस होती है इनमें जिनके साथ साथ म्यूकस सीक्रेट हो रही होगी. यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं दे आर हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस. और फ्लैट वर्म्स के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइलम है. प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम इनमें डेवलप हुआ है. सेरिब्रल गैंग्लियन यानी सेरिब्रल रीजन में गैंग्लियन. लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड ट्रांसवर्स कॉमिश्योर्स का मतलब है कनेक्टिंग नर्व्स, जैसे प्लेनेरिया में हमने पढ़ी थी. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर और बॉडी मस्कुलेचर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू और थ्री लेयर्स के मसल्स की दो से तीन लेयर्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये मसल लेयर्स नजर आ रही है. इसके अलावा अगर निमर्टियंस के हवाले से बात की जाए तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रिंकोसील. दरअसल ये जो लॉन्ग प्रोबोसिस है, लॉन्ग प्रोबोसिस को हील्ड करने आप कह लें होल्ड करने के लिए रिंकोसीलिक स्फिंक्टर मसल भी यहाँ पे नजर आ रहा है. ये रिंकोसील कैविटी भी नजर आ रही है जिसके अंदर इनकी प्रोबोसिस होल्ड है, प्रोबोसिस जो है वो हेल्ड की गई है. प्रोबोसिस में भी टिप विद अ बार कॉल्ड स्टाइलेट, यहाँ पे इसकी टिप के ऊपर जो आप कह लें स्टाइलेट का पोर्शन मौजूद हो सकता है, एक पॉइंटेड एंड मौजूद हो सकता है जैसे इधर नजर आ रहा है आपको. कॉर्निवोरस स्पीशीज यूज प्रोबोसिस टू कैप्चर एनालिड सेगमेंटेड वर्म स्प्रे एंड क्रस्टेशियन. और अनलाइक प्लेटीहेलमिंथस निमर्टियंस हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. प्लेटीहेलमिंथस में हमने सैक टाइप पड़ा था. इसके अलावा निमर्टियंस दे इनेबल मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फीसिस फॉर्मेशन टू प्रोसीड सिक्वेंशियली इन एन इंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन. कि इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होगा. और एक और मेजर इनोवेशन ये है कि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया. कि आप राइट साइड पे इनका जो डायग्राम में डॉर्सल वेसल, लेटरल वेसल, कनेक्टिंग वेसल्स, ये इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शोन है वो डेवलप हो गया, जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इनका. यहाँ पे हैव नो हार्ट एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द लार्ज वेसल्स. लार्जर वेसल्स जो पुश कर रही होती हैं ब्लड को, हार्ट का काम वही कर रही होंगी. ब्लड वेसल डज नॉट सर्कुलेट बट सिंपली मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू द longitudinal vessel. Blood usme forward backward move karega. Blood cell present in some species and combination of blood vessels with their capacity to serve local tissues and a one way digestive system with its greater efficiency at processing nutrients allows Nemertians to grow much larger than most flatworms. Zahira efficient features are the develop ho gaye, advantageous features are the develop ho gaye, to inka size bhi baki फ्लैटवर्म्स की नस्बत थोड़ा ज्यादा डेवलप हो गया. और इनमें जो लार्वल फॉर्म है वो करेक्टरिस्टिक है पेलिडियम डाइशिया से. ये भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेरेंकाइमल सेल्स से डेवलप होते हैं अलोंग ईस्ट साइड ऑफ द बॉडी. और इनकी जो लार्वल फॉर्म है दैट इज नेम्ड एज पेलिडियम लार्वा. दैट लार्वा डेवलप्स इनटू यंग वर्म दैट सेटल्स इन द सबस्ट्रेट एंड बिगिंस फीडिंग अगेन. ये राइट साइड पे जो पिक्चर्स शो हो रही है इसमें आपको पेलिडियम लार्वा की स्टेज नजर आएगी. Or when they move, adult Nemertians, they glide on trail of mucus and cilia and peristaltic contractions of the body muscles. They help in their movement. That was introduction about this short phylum. Iske alawa ek chota sa phylum hai Gastrotrycha. Uske hawale se hum thodi si discussion karenge.